हेलो फ्रेंड्स, यार क्या मजे। आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। तो आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाला हूँ। आप सोचे होंगे ये अपना घर क्यों दिखा रहा है। इसने दिखा तो रखा है क्योंकि मैंने अपने घर को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया ऑफलाइन में जाके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3। तो आप मेरा महल जैसा शाहीदार घर देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको टॉप फ्लोर दिखाता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने सजावट के लिए लैंटर्न लगा रखे हैं अपने गेट पे। और ये है मेरा शानदार फर्नीचर। और ये है मेरा मेन बेडरूम जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है और व्यू भी आप देख रहे होंगे। पूरा का पूरा कैसल आगे का मैं आराम से देख सकता हूँ। और अब मैं आपको नीचे का घर दिखाने वाला हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं है जितना ऊपर का। मेरा फ्लोर काफ़ी बड़ा चौड़ा है। वो है ये मेरी चेस्ट, ये है मेरा किचन एक तरीके से, ये है मेरी दो क्राफ्ट टेबल क्योंकि इनका डिज़ाइन ऐसा अच्छा लग रहा है। और ये ऊपर बना रखे मैंने कबर्ड। ये ट्रैप डोर गलती से ओपन हो गया। तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ थोड़ी सी फार्मिंग। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये हरा हरा आपने शुरू में क्या देखा था, ये है शुगर केन। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी लेकिन उसके अंदर मेरी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई, इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं डाली। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा फार्मिंग करने की, वो वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूंगा। तो अब मैं जाके अपने हथियार बना लेता हूँ जिससे अपनी फार्मिंग पूरी होगी। तो स्टिक्स और ये शॉवल्स हम अपने बना सकते हैं, अपने सारे के सारे जो भी हैं, हमें जो भी करना है वो सिर्फ फिलहाल तो सिर्फ शॉवल से ही होगा। तो इतने शॉवल काफ़ी होंगे। और काफ़ी सारी भेड़ बकरियाँ हैं, इनको बाद में बंद कर देंगे कहीं पे एक जगह पे ले जाके। फिलहाल तो घूमने दो, मेरे घर में मत घुसियो। 1 2। हमसे गलती हो गई, हमने गलती से ये तोड़ दिया, ख़राब कर दिया। कोई नहीं, हम इसको वापस ठीक कर देते हैं जैसे तोड़ा था। 1 2। तो हम यहाँ से पूरी की पूरी लाइन तोड़ देते हैं। एक सेकंड। आप सोचोगे मैंने बंद क्यों करा, मैं दो का गैप रखूँगा। मैं आप समझ जाओगे लास्ट में जब मेरा पूरा का पूरा बना हुआ देखोगे। फिलहाल मैं सारा तोड़ लेता हूँ। और ये मेरा पूरा का पूरा घास बर्बाद करिए, भाग जाए यहाँ से। ये घास खा के पूरा का पूरा इसने बर्बाद कर दिया था मेरा। तो अब मैं ये सब करने के बाद ही आपको मिलूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा वरना वीडियो में। और ये मैंने सारा का सारा पानी डाल दिया और ये हो गई हमारी जगह पूरी की पूरी। तो अब हमें शायद हो बोलते हैं उन्हें जिससे हम खुदाई करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके अंदर सीड डाल के हम अपने पेड़ उगा सकते हैं। तो उसको भी हम बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल में जाके अभी। तो पहले हम ये रख देते हैं फालतू का सामान। बाकी थोड़ी सी स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेंगी। ओ शिट, कोई नहीं, सिर्फ दो हो, इतने तो काफ़ी नहीं होंगे। तो ये हम रख देते हैं। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी वुड है, कंजूसी क्यों कर रहा हूँ मैं। तो ये वुड मैं ले लेता हूँ और थोड़ी सी और बना लेता हूँ। और ये इतने हो काफ़ी होंगे, काफ़ी। तो मैं ये रख देता हूँ और अब जाके हम करते हैं ताकि हम सीड डाल सकें और उसके बाद हम अपने फल फूल जो भी हम चाहें वो उगा सकें। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा घर कैसा लग रहा है। और मैं ये कर लेता हूँ, आप देख रहे होंगे काफ़ी जल्दी हो जाता है ये, इसमें टाइम नहीं लगता। और ये मेरा होने ही वाला है बस। और जो आपको ये ब्राउन ब्राउन कलर की ये डर्ट दिख रही है ना, ये डर्ट एक तरीके से गीली हो चुकी है। जो गीली हो जाती है वो ऐसी हो जाती है ब्राउन कलर की, और जो सूखी हुई होती है अभी भी वो आपको दिख ही रही होंगी कैसी होती है। तो इसके बिना मैं इन पे सिर्फ और सिर्फ शुगर केन और फूल उगा सकता हूँ। लेकिन इनके ऊपर अगर हमें फूल फ्रूट व्रूट उगाने हैं तो हमें ये करना ही पड़ेगा। और अभी होनी चालू हो गई है। और जो ब्लू कलर की ये जो ऐसी हो जाती हैं ब्राउन कलर की, इन पे काफ़ी जल्दी हमारा खाना उग जाता है। तो मेरी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये थोड़ी देर में हो जाता है।
बाकी तो वैसे तो काफ़ी इजी होता है। और मेरा एक और टूट गया तो कोई नहीं, मैंने काफ़ी सारे बनाए थे इसलिए मुझे लग ही रहा था दो से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस एक ने भी काफ़ी कर लिया। और ये मेरी दूसरी लाइन भी पूरी। और मेरे को आपको एक चीज़ और दिखानी है, वो अभी मैं सारा का सारा काम करने के बाद ही दिखाऊंगा। वैसे जिन्होंने नोट करा होगा उन्हें शुरू में ही दिख गई होगी, लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा वो अभी भी नहीं देख पाएंगे। वैसे मैं लास्ट में ही दिखा दूंगा, तो पहले मैं ये अपना सारा का सारा कर लूँ ताकि ये गीली होती रहे, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे भी सिर्फ दो ही लाइन रह गई। और कुछ लोग कह रहे थे मेरे को कि मेरे को ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म बनाना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं कि उसके लिए हमें जेली लगेगी, स्लाइम बॉल्स, जो कि हमें से माइन में, वो भी ऐसी वैसी माइन नहीं, माइन शार्ट में ही होती है, माइन में भी होती है लेकिन बहुत ही कम, बाई चांस एक मिल जाती है हमें। तो इसलिए मैं अभी अपना अनलिमिटेड कुछ भी शुगर केन ऑटोमेटिक कुछ भी फार्म वार्म नहीं बना सकता। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद की तो मैंने अपना ये सारा का सारा कर लिया और गीली भी होनी चालू हो गई है, आप देख ही रहे होंगे। और लास्ट के दो मैंने लाइनें छोड़ दी हैं, सबसे आगे की और एक सबसे लास्ट की। और ये होने के बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपना जो मैंने बनाया है, काफ़ी सही है वो भी मैंने कुछ लोगों के कहने की वजह से ही बनाया है, वरना वो काफ़ी सही था। तो ये भी हो गया और ये मेरी हो गई सारी लाइन पूरी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो माइनक्राफ्ट खेलते हो उनको तो पता ही होगा बाई चांस, लेकिन जो नहीं खेलते उन्हें बता देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट कूदता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये फिर से ख़राब हो जाएंगी, इसलिए इनके ऊपर डायरेक्ट नहीं कूदना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप कूदो या ना कूदो, आपका फार्म है। और ये आपको दिख ही गया होगा, ये छोटा सा डॉग हाउस मैंने बनाया है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बड़ा वाला डॉग हाउस इनके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं कुछ और जानवरों को रख लूँगा। बाकी तो मैंने यहाँ पे अपने तीन कुत्ते रख लिए हैं, मैं इनको नेम भी दूंगा। बाकी तो आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या नेम रखना चाहिए, मेरे को तो डिसाइड भी नहीं करना आता। बाकी घोड़े का नाम तो मैं रुद्र रखूँगा या फिर चेतक। तो अब मैं इनके अंदर अपने पौधे उगा देता हूँ जो मेरे को चाहिए थे, और ये जितने भी हो बचे हैं मैं रख देता हूँ। तो ये बचे हैं, हाँ दो तो बच ही गए, नहीं दो से ज़्यादा बचे हैं। तो अब मेरी फूड बॉक्स का है ये, तो इसके अंदर जो भी हमें उगाना है वो सारा का सारा सामान इसी के अंदर रखा है। ये मैंने काफ़ी पहले से ही सामान रख रखा था अपने पास, जब मैंने ये जगह पर प्लेन करी थी तभी सारा सामान मेरे को मिला था इन गाँव वालों के पास से, क्योंकि ये फार्मर भी होते हैं इनमें काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो फार्मिंग करते हैं, और वो काफ़ी सारा सामान ऐसे ही रह गया था, तो मैंने उसे उठा लिया और वो इतना सारा आपको दिख रहा है। तो पहले मैं उगाऊंगा सीड, जिससे हमें मिलेगा गेहूँ, जिससे काफ़ी कुछ बनता है, और अब मैं उगा रहा हूँ। तो अब मैं ये सब करने के बाद ही मिलूँगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग जाएगा वरना। तो मैंने अपना पूरा का पूरा फार्म कंप्लीट कर लिया है, और आप देख ही सकते हैं कितना सही लग रहा है ये, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे पास अभी भी काफ़ी कुछ बच गया है, जैसे कि सीड, कैरेट वैरेट, अभी भी मेरे पास काफ़ी बची हुई है। लेकिन अब मैं इन कुत्तों को भी थोड़ा खाना देता हूँ, क्योंकि इनको भी तो खाना चाहिए होता है, तो मैं ये सब एक चेस्ट में डाल के कुत्तों के लिए खाना ले, खाना बचा है वो ले लेता हूँ अपने कुत्तों के लिए, क्योंकि वो ये सब पटैटो वटैटो नहीं खाते, वो सिर्फ कुछ यही सब खाते हैं। तो मैं ये सारा का सारा अपने कुत्तों को दे देता हूँ, मैं तो खाता रहूँगा, मेरे पास काफ़ी कुछ है, लेकिन वो थोड़ी ना खाएंगे, क्योंकि अब वो मेरे, वैसे तो ये अपने लिए खुद ही मार के खा लेते हैं। तो मैं इन सबको उठाता हूँ तीनों को, और तीनों को बांट देता हूँ। एक सेकंड, स्टैंड स्टैंड स्टैंड, लो लो सब खाओ, मजे से खाओ कुछ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाग तो नहीं गए, अरे सॉरी मुझसे गलती हो गई। फिर ले सारा खा, इधर आओ, इधर ऊपर आओ, ऊपर आओ, चलो पहले दूर आओ, ऊपर आने के लिए भी इन्हें दूर लाना पड़ता है पहले, वो छोटू ज़्यादा तेज़ है। अब मैं इनको ऊपर लेके चलता हूँ,
आओ आओ, खाना दूंगा वरना। आ गए। सिट सिट सिट। तो वीडियो अच्छी लगी तो सर लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि इसके अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।